उत्तराखंड में युवा मोर्चा ने आज बड़ी रैली निकाली है और युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्य हमारे साथ है, बातचीत करेंगे। सूर्या जी किस तरह से देखते हैं आप आज उत्तराखंड में आए? देखिए, हमारे कार्यकर्ताओं का उम्मीद, उनके जो उत्साह, ये देखते हुए ये स्पष्ट हो रहा है कि उत्तराखंड में फिर एक बार स्पष्ट बहुमत की भारतीय जनता पार्टी सरकार आना सुनिश्चित है। ये युवा प्रदेश है, इस युवा प्रदेश को एक युवा नेतृत्व भी मिल चुका है और युवा मोर्चा के नेतृत्व में आने वाले चुनाव में युवा मोर्चा के कार्यकर्ता लोग सब प्रयास करके फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार सुनिश्चित करने में हम सब काम करेंगे। उत्तराखंड में युवा मुख्यमंत्री के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है, किस तरह से देखते हैं, युवाओं में कितना जोश देखने को मिलेगा? पूरा जोश है, उत्तराखंड एक युवा प्रदेश है, उत्तराखंड की आबादी में भी बहुत बड़े मात्रा में युवा लोग हैं एंड दिस विल रिफ्लेक्ट इन द एनर्जी ऑफ द इलेक्शंस। ये थे तेजस्वी सूर्य जो कि उत्तराखंड में आए हैं और जिस तरह से हम बात करें उत्तराखंड में युवा नेतृत्व की, पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है और युवा मोर्चा ने आज बड़ी जो एक शक्ति प्रदर्शन यहाँ पे किया है, जिस तरह से हम देख सकते हैं कि तेजस्वी सूर्य जिस तरह से यहाँ पे मौजूद है और मोदी टीम से डायरेक्ट मोदी टीम से आते हैं, सांसद हैं बेंगलुरु से और इस तरह से आज युवाओं के बीच में यहाँ पे मौजूद है। उत्तराखंड में रहेंगे अगले दो तीन दिनों तक जो है युवाओं की नब्ज टटोलेंगे, युवाओं में ऊर्जा भरने का काम करेंगे और निश्चित तौर से यहाँ से उत्तराखंड में भाजपा जिस तरह से दम भर रही है युवाओं के दम में, युवाओं के भरोसे, तो देखना होगा कि तेजस्वी सूर्य यहाँ पर क्या कुछ पार्टी के बीच में जो है नया करके जाते हैं और किस तरह से युवाओं में जोश भरते हैं। अपने सहयोगी प्रवीण सोनकर के साथ मैं धीरज सजवान, ETV भारत, देहरादून।